हेलो वर्ल्ड, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, उसके साथ में एक बेल बटन भी होगा उसको भी हिट कर देना, सो दैट कोई भी न्यू वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। आई होप कि आपका दिन बहुत अच्छा जा रहा है, नहीं जा रहा है तो इस वीडियो के बाद अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मैं करने वाली हूँ रिव्यू कम फर्स्ट इंप्रेशंस काइंड ऑफ वीडियो, जो कि है न्यू प्रोडक्ट ऑफ 82 ईस्ट, जो कि है उनका लिक्विड सनस्क्रीन। सो इट्स लाइक उनके बैक टू बैक बहुत सारे प्रोडक्ट्स और लॉन्चेस हो रहे हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट मैंने सारे रिव्यू किए हैं एंड दिस इज़ द लेटेस्ट वन। और क्योंकि मुझे आज ही रिसीव हुआ तो मेरे पास सब कुछ ये ऐसे रखा है एंड मैं आपके साथ इसका रिव्यू दूंगी, क्योंकि मैंने अभी इसे ट्राई ही नहीं किया है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज़ हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक। उनकी स्टैंडर्ड पैकेजिंग है, सारे उनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो ऐसे ही आते हैं। दिस सेज लिक्रिश बीन सनस्क्रीन जेल SPF 40 PA++ विद लिक्रिश एंड सेरामाइड्स। सो बेसिकली 82 ईस्ट ने अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको किसी न किसी एक इन्ग्रीडियंट्स के साथ मैच किया हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग वो उसको फॉर्मुलेट करते हैं। तो जो जेल है वो लिक्रिश बीन जो है वो लिक्रिश पे बेस्ड है, उसके मेन इन्ग्रीडियंट जो हैं वो लिक्रिश हैं एंड दे क्लेम दैट दिस इज़ ब्राइटनिंग एंड प्रोटेक्टिंग, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज़ सनस्क्रीन, तो ये प्रोटेक्ट करेगा और साथ में आपकी स्किन को ब्राइटन भी करेगा। बट जब आप बार बार उनकी साइट से परचेज करते हो तो आपको ऑटोमेटिकली डिस्काउंट्स मिलते हैं, तो मैंने इसको 12% के डिस्काउंट पर परचेज किया था तो ये मुझे थोड़ा सा कम पड़ा। आई फील 1500 और 1600 या 1584 का ये मुझे पड़ा। दिस इज़ देयर बिल, हियर इज़ द फाइनल प्रोडक्ट। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। मुझे ये ट्यूब थोड़ी सी बड़ी लगी थी कि शायद ये बड़ी होगी, मैंने इंस्टाग्राम पे एंड यूट्यूब पे देखा था तो बड़ी लग रही थी, बट दिस इज़ स्मॉल। ओके, दिस इज़ स्मॉल, दिस इज़ 40 ग्राम्स ऑफ ट्यूब एंड आई हैव हेयर। ये ट्यूब है, दिस इज़ बॉडी लोशन फ्रॉम वैसलीन। सो ये 200 ml की ट्यूब है एंड दिस इज़ लाइक दिस। सो दिस इज़ स्मॉल कंपेरिजन के लिए दिखा रही हूँ, ये आपको वीडियो में, फ़ोटो में, वेबसाइट पे बड़ी दिखेगी पर ये छोटी सी है। एंड आई एक्चुअली रियली लाइक द पैकेजिंग, इतना क्लासी लुक है। दिस ब्लैक एंड दिस बेज कलर इज़ सुपर क्लासी, मतलब बैग से जब आप इसको निकालोगे ना मज़ा आ जाएगा। एंड लेट्स ट्राई द टेक्स्चर फर्स्ट। सो दिस इज़ अ कम्प्लीट रियली नाइस जेल, और जेल भी जो है वो टिंटेड है, क्लियर जेल नहीं है ये। एंड दिस हैज़ अ रियली नाइस स्मूथ टेक्स्चर, जेल वाला टेक्स्चर नहीं है ये, दिस इज़ स्मूथ, या दिस इज़ रियली स्मूथ। इट्स लाइक थोड़ा सा मुझे प्राइमर जैसा फील आ रहा है, जैसे जब आप कोई जेल बेस्ड प्राइमर लगाते हो या सीरम लगाते हो। एंड दिस हैज़ नो वाइट कास्ट एंड नो ऑयलीनेस। ओ माय गॉड, लुक एट दिस, टर्मरिक शील्ड है वो हल्का सा जो है आपको थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा टैकी लगता है, बट दिस इज़ सुपरबली नाइस, बहुत अच्छे से सेटल हो गया ये। देर इज़ नो शाइन, देर इज़ नो टैकीनेस, नथिंग, सुपरबली नाइस, आई एम सुपरबली इम्प्रेस्ड। सो इट्स लाइक दिस इज़ मेंट फॉर ऑयली स्किन पीपल। सो उन्होंने जो उनके तीनों प्रोडक्ट है, जो उनका ड्रॉप है वो ड्राई स्किन वालों के लिए है, जो उनका टर्मरिक शील्ड है वो कॉम्बिनेशन टू नॉर्मल के लिए है, एंड दिस इज़ फॉर ऑयली स्किन पीपल, जब आप बहुत ही ऑयली फील करते हैं। एंड आई फील ये बहुत अच्छे से काम करेगा, सो आई फील कि पहले इसका डेमो ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कुछ लगाया ही नहीं है स्किन पे, ये इतने अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हुआ है, बहुत इजीली ब्लेंड हुआ है, कोई वाइट कास्ट नहीं है, मतलब कुछ लग ही नहीं रहा है जैसे स्किन पे है। एंड इट्स द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये पील ऑफ नहीं हो रहा है। यूजुअली जेल सनस्क्रीन्स मेरे स्किन पे नहीं जाते हैं, आप मेरे पुराने सनस्क्रीन पे दे सकते हो,
दिस इज लुकिंग रियली नाइस। सो डेमो देखने के बाद आपने देखा कि ये स्किन पे कितना अच्छा लगता है, लेकिन मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी, मुझे लग रहा था कि ये फेल होने वाला है, बिकॉज समहाउ जेल सनस्क्रीन्स मेरी स्किन पे नहीं बैठते हैं, वो पील ऑफ हो जाते हैं, और ये पील ऑफ तो नहीं हुआ। सो आई एम रियली रियली इम्प्रेस्ड बाय द फार्मूला एंड आई फील कि अभी के लिए मैं इसको कंटिन्यूसली यूज़ करने वाली हूँ। मैं और भी सनस्क्रीन्स को लेके बहुत ऑब्सेस्ड हूँ, मैं अलग अलग फार्मूला अलग अलग ब्रांड्स ट्राई कर रही हूँ। रिसेंटली मेरे 2-3 ऐसे सनस्क्रीन्स हैं जो मेरे फेवरेट हो चुके हैं, जिसमें अब रीएप्लीकेशन भी है। पहले मैं रीअप्लाई नहीं करती थी बिकॉज ऑब्वियसली ऑयलीनेस की वजह से, बट अब जो फॉर्मूला है वो काफ़ी इम्प्रूव होने लगा है। मुझे लगता है कि रीएप्लीकेशन के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। सो डेफिनेटली यू कैन ट्राई दिस। आई फील अगर आप ऑयली लाइक कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन टाइप के हो और आपको नया सनस्क्रीन ट्राई करना है जो कि नॉन स्टिकी है, नॉन ऑयली है एंड वाइट कास्ट तो बिल्कुल ज़ीरो है, देन कम्प्लीटली गो फॉर दिस। दिस इज़ रियली रियली नाइस। तो अगर आप 82 ईस्ट में कुछ ट्राई करना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं कि आप उनका गोतू कोला ड्यू, उनके फेस वॉशेज और अब इसको ट्राई कर सकते हो। इनमें पैसा लगाने के बाद आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा कि हमने एक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट लिया है और वो काम नहीं कर रहा है। दीज आर सुपरली नाइस। मैं थोड़ा सा इनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बता देती हूँ। जो लिक्रिश है वो अपने ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए जानी जाती है, और जो सेरामाइड्स हैं वो आपकी स्किन के बैरियर्स को कम्प्लीट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी स्किन के बैरियर का कम्प्लीटली ओके होना बहुत ज़रूरी है, वरना जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। तो सेरामिड्स क्या करते हैं, आपकी स्किन के बैरियर को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ही हेल्प करते हैं। तो अगर वो ऐसी चीज़ में इंक्लूडेड है, दैट्स रियली रियली नाइस फॉर यू। सो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, आपके पैसे वेस्ट नहीं होंगे। लेट मी जस्ट ट्राई द एप्लीकेशन ऑफ दिस ओवर मेकअप। सो राइट नाउ आई एम हैविंग अ लिटिल बिट मेकअप पाउडर एंड ब्राउनिंग थिंग। लेट्स ट्राई इट ओवर द मेकअप, हाउ इट गोज। ओके, so as you can see this is not looking bad over the makeup, but I feel इसके बाद अब मुझे powder करना होगा। yes this needs a little powder, but yes definitely you can reapply it because इसमें white cast वाली problem है ही नहीं, and this is really easy to blend actually। I am highly impressed by this licorice bean and I highly recommend it। तो यहाँ मैं ख़त्म करती हूँ रिव्यू को। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको ब्रांड के रिलेटेड, प्रोडक्ट के रिलेटेड, सनस्क्रीन से रिलेटेड या फिर मेरे चैनल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगी। कभी कभी डिले होता है बट रिप्लाई ज़रूर आता है, तो आप हमेशा मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही में आप मुझसे सोशल मीडिया पर भी कनेक्ट कर सकते हो, मैं इंस्टाग्राम पर बहुत एक्टिव रहती हूँ। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो डू चेक इट आउट। Also, this is not a sponsored video. जो 82 ईस्ट है वो अभी बिल्कुल भी स्पॉन्सर एटलीस्ट मुझे तो नहीं कर रहा है, मैं बहुत ही छोटी यूट्यूबर हूँ। बट येस, दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड रिव्यू। और साथ ही मैं बता दूँ कि अभी आप 82 ईस्ट के प्रोडक्ट्स जो हैं वो कहीं और परचेज़ नहीं कर पाओगे, वो सिर्फ उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही अवेलेबल हैं। सो देर इज़ नो एफिलिएशन ऑल्सो। उसका भी जो लिंक है मैं डायरेक्टली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हो। सो मैं मिलूंगी आपको किसी और वीडियो में अच्छे से कंटेंट के साथ। टिल देन, बाय।